So Thank what you, sir. we're going to do is till Udita can come back again, connecting from her phone, we'll take up international questions first. International questions only. We are unmuting everybody and we can take up international questions. जब तक उदिता वापस नहीं आ रही, हम सिर्फ इंटरनेशनल गेस्ट को क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन कर रहे हैं. इंटरनेशनल गेस्ट प्लीज कम इन फॉर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग ऑर्बिट और रेडियो उड़ान. Any questions from international guests regarding orbit or radio उड़ान? हेलो, मैं Yes. श्रीलंका से बोल रही हूँ। Yes. Now. बताइए कि रेडियो उड़ान पर वो प्रोग्राम किस समय आता है, वो Okay. नवल के अपना नाम बताएं, प्लीज. बारे में। मेरा नाम वसंता पद्मिनी। Okay, वसंता. दानिश, कैन यू आंसर दिस? दानिश? जी, मेरी मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही हाँ, है. आ गो रही है। अहेड, हाँ, गो अहेड. ओके। आप मेरे को आपका क्लियर नहीं हुआ, आप शायद पूछ रही हैं कि आपका टाइमिंग क्या है रेडियो की, राइट? हाँ हाँ, हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही है, जी, इसलिए बताइए तो कि इस रेडियो उड़ान पर जो आपने हमारा कहा 24/7 है। हाँ चलता है रेडियो स्टेशन। शाम को हाँ 7 बजे से 11 बजे नए शो आते हैं, हाँ वही जो शोज हैं वो 2 से 6 उनका रीब्रॉडकास्ट होता है अगले दिन दोपहर को। शाम को सात दोपहर से 11 लाइव आते हैं सारे न्यू शोज, फिर उनका रीब्रॉडकास्ट 2 से 6 नेक्स्ट डे आता है, और बाकी टाइम पे म्यूजिक चलता रहता है, रिलीजियस या दूसरा एवरग्रीन। और यूट्यूब पर भी हमारे शोज हैं, वहां भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने कहा है लिटरेचर, एक लिटरेचर प्रोग्राम के बारे में बताया है ना, इसके बारे में जी बताइए कि नवल्स इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में नवल्स को हिंदी में पढ़ने बुक वाले वर्ल्ड नाम प्रोग्राम। है, बुक वर्ल्ड हाँ, है, ये बुधवार को रात को 8 बजे आता है और इसके सारे शो यूट्यूब पर हैं हमारे बुधवार चैनल को पे. 8 बजे। और एक बात है, क्या आपके पास रेडियो ड्रामा नहीं है? हमारे आपने याद करवा दिया, हमने 5-6 नाटक किए हैं डिसेबिलिटी के ऊपर, अच्छा। मैट्रिमनी से रिलेटेड और शादी से हाँ, रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो सारे यूट्यूब पर हैं. तो वो एक अलग प्लेलिस्ट है प्लेस की, रेडियो डॉन प्लेस लिखोगे तो आपको वो सारे नाटक मिल जाएंगे. पर वो बहुत नाटक है हमने लाइव किए हैं तो सच। दो तीन नाटक रेडियो प्ले हैं, तो वो उनकी साउंड क्वालिटी बहुत क्लियर है, लेकिन जिनकी क्लियर नहीं होगी तो एयरफोन से अगर आप सुनोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी. बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज फ्रॉम इंटरनेशनल गेस्ट ओनली. मैं नेपाल से ओम प्रकाश बात कर रहा हूँ. जी ओम मैं प्रकाश. रेडियो उड़ान के दोस्तों पर ये पूछना चाहता हूँ कि आप नेपाली भाषा में कार्यक्रम चलाते हैं कि नहीं, इसलिए इस बारे में आपको क्या सोचाई है चलाने वाला? नहीं, अभी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में चलाते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और फिर फॉरेन में हमारे इतनी मैन पावर नहीं है, तो वो हम अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोग वहाँ शुरू कर सकते हो, हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में है। हमने कुछ मटेरियल रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दिया, यदि करेंगे तो आप नहीं, वो प्ले कर सकते बिल्कुल, हो. हम हाँ जी बिल्कुल प्ले कर सकते हैं। मेरा पहले जब मैं इंग्लिश में बात की थी, मैं यहाँ ये भी क्लैरिफाई कर दूं, तो मैंने इंग्लिश में इसलिए बोला था क्योंकि इंटरनेशनल लिसनर्स भी हैं, तो वो बोर ना हो और वो छोड़ के ना चले जाएं, तो मैंने अपनी बात तो सारी पहले इंग्लिश में रखी थी। जी थैंक यू. हेलो। जी मुझे ये पूछना था दैट वाइल डूइंग द डेमो ऑफ रेडियो उड़ान ऐप, जब आप रेडियो उड़ान ऐप का डेमो कर रहे थे, देयर वाज एन ऑप्शन ऑफ सपोर्ट। क्या या हम हमारे कंसर्न्स आपको मेल कर सकते हैं और आप उसके एब्सोल्युटली, ऊपर यू कैन व्हाट्सएप सो अस, यू कैन कॉल अस, यू कैन स्काइप अस, यू कैन ईमेल अस, यू कैन फेसबुक अस, यू कैन ट्विटर अस, यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट, ऑल द फैसिलिटीज आर देयर फॉर यू. So, being abroad, can we indirectly be a part of Radio Uran? क्या एब्सोल्युटली हम यस, हमारे जैसे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल. वी हैव आरजे फ्रॉम पाकिस्तान, वी हैव आरजे फ्रॉम इजराइल, वी हैड आरजे फ्रॉम वेस्ट इंडिया, सो एनीबडी कैन बी आरजे इन इंग्लिश लैंग्वेज.
द ओनली थिंग वी विल प्रोड्यूस द कंटेंट इन इंग्लिश हिंदी एंड उर्दू. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ऑर्बिट रीडिंग टीम से मेरा क्वेश्चन है कि अगर नाम बताइए प्लीज, नाम बताइए. मेरा नाम इजाज है, कश्मीर से बात कर रहा हूँ जी. कश्मीर तो इंडिया में आ गया ना बेटे. कैन यू जस्ट होल्ड टिल वी फिनिश विद इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स. कैन यू प्लीज होल्ड. राइट. थैंक यू, थैंक यू. लेट्स गिव चांस टू इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स फर्स्ट एंड देन इंडिया कैन कम इन. क्षमा कीजिए, मैं वसंत पद्मिनी हूँ, फिर से पूछ रही हूँ. ऑर्बिट रीडर के लिए कौन कौन से वेबसाइट्स उपलब्ध है, कौन कौन सी पुस्तकें ले सकते हैं? मैं जानती हूँ बुक शेल्फ के बारे से बाहर कौन कौन से पुस्तकें, कौन कौन से साइट्स हैं ऑर्बिट के लिए. ऑर्बिट रीडर जो है, ऑर्बिट राइटर जो है, ऑर्बिट राइटर बेसिकली टाइप करने का कीबोर्ड है. मैं रीडर के बारे में पूछ रही हूँ, रीडर के लिए कौन कहाँ से पुस्तकें उपलब्ध है, कौन कौन से साइटों में उपलब्ध है. ओके, सो ऑर्बिट रीडर जो है BRF और TXT फाइल फॉर्मेट सपोर्ट कर रहा है. सो अगर आप TXT फाइल फॉर्मेट कहीं से भी ले ले और ऑर्बिट रीडर के अंदर आप उसके SD कार्ड पे ट्रांसफर करेंगे तो वो TXT और BRF पड़ेगा. दूसरा जरिया ये है कि अगर आप ऑर्बिट जो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले है उसको आप लैपटॉप या एंड्रॉइड फोन के साथ कनेक्ट कर देंगे तो फिर वो कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाके आप डायरेक्टली ऑर्बिट रीडर से वो वेबसाइट को पढ़ सकते हैं या वो वेबसाइट के ऊपर जो भी मटेरियल है उसको आप खोल के पढ़ सकते हैं. सिमिलरली आप पूरा एंड्रॉइड फोन चला भी सकते हो ऑर्बिट रीडर के अंदर से, आप नेविगेट कर सकते हो, कंप्यूटर को भी आप नेविगेट कर सकते हो. ये सारी फैसिलिटीज ऑर्बिट रीडर में उपलब्ध है. नहीं, पुस्तकें कहाँ से ऐसे डाउनलोड करने के लिए हमें पुस्तकें बुकशेयर जैसे कोई साइट्स नहीं है दूसरे? बुकशेयर जैसे जहां से भी आपको TXT फॉर्मेट में मिलेगा वो आप ले सकते हैं. LibriVox वगैरह आप ओपन जो वेब है, Gutenberg है, LibriVox है, वहां से आप डायरेक्ट ले सकते हैं. बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Sorry to interrupt again. I'm Mashira Rizwan from Colombo. Sir, jo Orbit Reader or Orbit Writer hai, if we want to purchase, how could we, what are the platform to purchase? Okay, Azim, can you answer this? Azim, can you answer this? Yes, sir, definitely. Madam, could you just elaborate the question once again? What is the price of Orbit Reader and Writer and how can we purchase it? Right, sir. Just a second. So, Orbit Reader is 32,000 Indian rupees. Okay. Which is excluding GST. Yes. Audio, that was more module. For Orbit Writer, the price for the USB version would be 2,495 Indian rupees. And for the Bluetooth version, it would be 4,995 Indian rupees. And 5% GST would be extra. Was that clear? Yes, that was clear, but I just want to know, is it available on Amazon? Madam, yet it is not available on the Indian Amazon site. Okay. But definitely for US market it is available, but not for India market as of now. So it is definitely available on our website, that is Orbit Research website. And you can directly call us also at the factory. We can share the contact details and all. We will be sharing all the contact details. Haan, Udit aa gayi hai, maine dekha. Ma'am aa gaye hai. Okay. Udit, aap NVDA band kar de. Bye. इंसर्ट एस दबा दीजिए एक बार बस.
Audio now unmuted. Start my mute my audio. Audio. ऑडियो म्यूट नहीं करना है आपको, NVDA बंद करना है उदिता। आप ऑडियो म्यूट करेंगे तो हम आपको कैसे सुनेंगे? उदिता आप ऑडियो अनम्यूट करें, खाली NVDA को इंसर्ट एस दबाए एक बार। स्पीच मोड बीप्स, स्पीच मोड टॉक, जयेश वेलन म्यूट, करंटली अनम्यूटेड, बटन फोकस्ड। स्पीच मोड, स्पीच मोड बीच पे कर दो, इंसर्ट ऐसे एक बार और दबा दो। हाँ मैम। ओके, कैन यू स्पीक नाउ उदिता? कैन यू स्पीक नाउ? करंटली अनम्यूटेड, बटन फोकस्ड, म्यूट, करंटली अनम्यूटेड। उदिता आप म्यूट अनम्यूट को ना छेड़े, आप सिर्फ इंसर्ट एस दबाइए, सिर्फ इंसर्ट एस दबाइए, म्यूट अनम्यूट को कुछ ना करे, बस दैट्स इट। स्पीच मोड ऑफ कर दिया, दैट्स गुड, परफेक्ट। कैन यू स्पीक नाउ? नो वी आर नॉट एबल टू। आवाज उनकी हमें सुनाई नहीं आ रही है सर। नहीं आ रही है, ठीक है, वी विल कनेक्ट विथ यू नेक्स्ट टाइम उदिता। Sorry for the technical failure. We will work it out and we will reserve a slot for you in the next workshop, Dita. Okay, okay. Sorry, participants, हम उदिता की आवाज कुछ technical वजह से नहीं सुन पा रहे, उनके laptop में कुछ problem है, तो we are not able to mute कर दी। Okay, can we, are you able to hear me? Yes sir, please go ahead. Thank you. It seems aaj pura technical disturbance wala hi din hai. So can we have your questions? India se open to everyone. Sir Praveen bol raha hu Indore se. Praveen number 1. Okay, dusra naam? तीन नाम चाहिए मुझे, प्रवीण का एक नाम आ गया, नाम बताइए। जी सर, जी सर, मैं जी सर, मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से? नाम नेपाल से, मैं ओम प्रकाश हूँ। मैंने अहमदाबाद से। ओके ओके, बाकी सब म्यूट। प्रवीण, ओम प्रकाश और फिर अहमदाबाद से जिसने पूछा, वो तीन लोग पूछे गए। आप हेलो ना बोलिए, पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपना नाम बता दीजिए, सो आई विल पिक इट अप। So, Praveen, come in. सर मेरा ये सवाल है कि जो ऑर्बिट रीडर और राइट रीडर में हम लोग, आपने जैसे कि नए जो फीचर्स के बारे में बताया, तो इसके अंदर क्या, जैसे कि हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमें ज्यादातर मटेरियल पीडीएफ में मिल जाता है, तो हम पीडीएफ से वर्ड में टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या? पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट करना हर बार मुमकिन नहीं होता है, जिसके लिए आपने कीबो जैसे सॉल्यूशन देखे कि जहां ओसीआर करने की आपको जरूरत। म्यूट कर दीजिए प्लीज। सॉरी, सो कीबो जैसे सॉल्यूशंस की आपको जरूरत पड़ेगी जहां आप पीडीएफ को कन्वर्ट करनी है, तो वो ऑर्बिट रीडर के बस की बाहर की बात है, क्योंकि उसके लिए आपको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जिसमें ओसीआर है, ऐसे सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत पड़ेगी। कीबोर्ड के अलावा जो ऑर्बिट रीडर की खास करके बात करें, ये उन लोगों के लिए है जो ब्रेल में पढ़ना चाहते हैं हाथ से, उंगलियों से, तो उनके लिए ये स्पेसिफिक ऑर्बिट रीडर की बात हुई, क्योंकि ये रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले है। जब हम लिखने वाली बात करते हैं, वहां ऑर्बिट राइटर और रीडर दोनों काम कर सकते हैं, पर ऑर्बिट रीडर जैसे अजीम ने बताया कि 32,000 प्लस जीएसटी है, उसकी तुलना में ऑर्बिट राइटर जो है वो सिर्फ 2,500 है प्लस जीएसटी है, तो ऑब्वियसली काफी बड़ा फर्क है उन दोनों प्रोडक्ट्स में। तो अगर सिर्फ आपकी लिखने की जो समस्या है, तो वो उसके लिए आप ऑर्बिट राइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ओम प्रकाश, ओम प्रकाश कैन यू कम इन आंसर, आस्क योर क्वेश्चन नेपाल से।
यस सर, मैं ऑर्बिट राइडर के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ. इसके वेट क्या है, इसमें कैसे कैसा बैटरी पावर बैकअप मिलता है, इसका प्राइस भी बता दे दो प्लीज. ऑर्बिट राइडर जो यूएसबी मॉडल है, यूएसबी मॉडल की कीमत 2500 इंडियन रुपीस है प्लस जीएसटी और शिपिंग अगर नेपाल में है तो. और उसमें बैटरी वगैरह नहीं होती क्योंकि यूएसबी से वो पावर ले लेता है. तो यूएसबी जब आप कनेक्ट करोगे आपके फोन के साथ ओटीजी केबल के जरिए टाइप बी या टाइप सी उसके साथ ओटीजी दोनों आते हैं तो आप उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो वो पावर जो भी उसको जरूरी है वो वहां से ले लेगा. इसका साइज प्लीज सर. उसकी साइज 16 mm by 6.5 mm उसकी साइज है. सीएम 16 सेंटीमीटर बाय अजीम 6.5 या 8.5 कितनी है सर? इट इज 6.5. यानी आप एक 5.1 इंच का आपका जो मोबाइल जो रेगुलर स्मार्टफोन होता है बिल्कुल उसी साइज का है. और वेट में तकरीबन कितने ग्राम है असीम? 90 ग्राम है, सिर्फ 90 ग्राम. राइट, सो आपके स्मार्टफोन से भी कई गुना हल्का है ये. ठीक है उमेश जी. ओ सर, बोलो प्रवीण. सर वन करेक्शन. हाँ, सो जो ब्लूटूथ का मॉडल है ना ऑर्बिट राइडर का, तो उसमें बैटरी बैकअप 3 दिन का है और हम उसको 2 आवर्स में पूरा चार्ज भी कर सकते हैं. यूएसबी मॉडल में कोई बैटरी नहीं है, राइट? हाँ, यूएसबी में नहीं. राइट, सो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के लिए आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट आई सेड. द साइज ऑफ द ऑर्बिट राइडर is 16 centimeters by 6.5 centimeters by 0.5 centimeters in thickness. It weighs only 90 grams in weight. The price is 2,500 Indian rupees for a USB based model, which does not have a battery. For a Bluetooth based model, it's around 5,000 Indian rupees, which has a battery, and the battery will last for around 2 working days and can be charged in about 2 hours. Of charging time. Okay, third question. Ahmedabad se koi puch raha tha. Ahmedabad, come in. Ahmedabad. Sudeep Tripathi, Ahmedabad se. Go ahead. Sir, main udaan se janna chahta hu ki jo aap radio broadcasting software jo use kar rahe hain, वो कौन कर रहे हैं, वो किस टाइप का है, उसके बारे में यदि थोड़ा आप बता सके. और जो ऑर्बिट रीडर है वो लोग वन क्वेश्चन सुदीप आप थोड़ी देर बाद दूसरा क्वेश्चन पूछिए. ओके राइट, थैंक यू. दानिश, कैन यू आंसर रेडियो उड़ान के बारे में, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं? जी आवाज आ रही है? अब आ रही है. तो ये स्टेशन प्लेलिस्ट करके एक स्टूडियो होता है तो उसको हम यूज कर रहे हैं. इसकी प्राइस अलग अलग है, 30-35 हज़ार रुपये का ये है. तो SPL शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है वो वही है, स्टेशन प्लेलिस्ट. तो इसको हम यूज करते हैं, इसमें तमाम फीचर्स होते हैं ब्रॉडकास्टिंग के, रिकॉर्डिंग के. तो इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. थैंक यू दानिश. नेक्स्ट 3 names, 3 नाम बताइए. यस यस सर, माय नेम इज विशाल. विशाल 1. नंबर 2 मोनू सिंह. सर मैं अमन बात कर रहा हूँ. अमन की बात, अमन का नाम सुना. तीसरा नाम मोनू सिंह, लखनऊ से बोल रहा हूँ सर. मोनू सिंह, ओके. विशाल, अमन, मोनू. विशाल सवाल पूछिए. यस सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन है सर, जो रेडियो उड़ाने सर, ये 120 कंट्रीज में भी सर रनिंग हो रहा है ना सर? हाँ जी. तो सर इसमें मैं अभी से मैंने सर ने बताया, ये जो इसमें जो लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, हिंदी इंग्लिश और उर्दू में ये ब्रॉडकास्ट करते हैं. यस सर, लेकिन सर जैसे सर जो 120 कंट्रीज है सर, और आप सर ओनली 3 languages, उन कंट्रीज बहुत सारे इंडियन लोग रहते हैं. जैसे अरब की जो कंट्रीज है, जो मिडिल ईस्ट है, तो उसमें कई कंट्रीज में उर्दू चलती है, कई कई जगह पे इंग्लिश तो हर जगह चलती चलती है, और बहुत सारी कंट्रीज में हमारे जो इंडियन लोग हैं वो सुनते हैं. ओके सर, इंग्लिश तो सब जगह चलती है, जो लोग मतलब इंडियन नहीं भी हैं उन लोगों के लिए इंग्लिश तो फिर है ही है ना.
ये सर 120 कंट्रीज सर, लेकिन सर जैसे आई थिंक चाइनीज अमेरिकन वगैरह, तो सर इसमें आई थिंक जो ये 3 लैंग्वेजेस सर, तो आई थिंक ये सफिशिएंट होगी सर आई थिंक. एक्चुअली योर नेम वी कैन नॉट कैप्चर टू सबकी जरूरत को. विशाल सर ये सफिशिएंट तो नहीं हो सकता ना सर, आई थिंक आई योर अकॉर्डिंग सर. ठीक है विशाल, ये सजेशन है. आप टीवी चैनल सुनते हैं विशाल? यस सर. यू आर लिसनिंग जी टीवी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? यस सर. और जो टीवी चैनल्स भी चलते हैं वो एक टीवी चैनल पर्टिकुलरली एक लैंग्वेज में होता है, और अगर उनको अलग अलग टीवी चैनल, अगर अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करना होता है तो वो अलग अलग अपनी कैटेगराइज्ड टीवी चैनल बनाते हैं, ऐसा ही है ना? ओके ओके. तो हमारा जो रेडियो है वो बेसिकली ग्लोबली हम लोग रन करते हैं, और ग्लोबल लेवल पर आप जानते हैं कि इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज, और फिर चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, नेपाल हो, अंग्रेजी हर जगह समझी और सुनी जाती है. ठीक है. नहीं, उनका जो बेसिकली कंसर्न था वो ये है कि मतलब आप कैसे ये कह रहे हो, तो विशाल इसमें ये बहुत क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ की सारी कंट्री के सारे लोग हमें सुनते हैं. हो सकता है किसी कंट्री में 5 सुन रहे हो, किसी में 10 सुन रहे हो, किसी में 50 सुन रहे हो, किसी में 100 सुन रहे हो, लेकिन हाँ सफिशियंट नहीं है, लेकिन मैन पावर के हिसाब से हमारे हिसाब से काफी है. और हम लोग इन्वाइट करते हैं कि आप लोग आइए शोज लेके. थैंक यू. थैंक यू पुनीत. ओके अमन, अमन अपना सवाल पूछे. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सर ने बताया एक शो आता है रेडियो डॉन पर जिसमें आप इंग्लिश नॉवेल्स को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कि अगर हम आपको पर्सनली आरजे को कांटेक्ट करना चाहे कि आप इस शो इस बुक को हमारे लिए एक्सप्लेन कीजिए अपने शो में, तो क्या ये पॉसिबल है? वो पॉसिबल तो है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारी किताबें हम करते भी हैं, लेकिन अब क्या होता है कि शो जो आता है वीकली वंस आता है और इतने लोग अपनी रिक्वेस्ट दे देते हैं, तो वो बिल्कुल हम पूरा करते हैं, लेकिन टाइम लगता है क्योंकि उससे पहले अगर 10 भी लोगों ने दी है अपनी किताबें, तो अगर एक किताब के 4 शो बनते हैं तो 40 शो हो जाएंगे. तो उसमें कंप्लेन बहुत सारे लोगों की रहती है कि हमारी किताबें नहीं की. हम रिक्वेस्ट जरूर लेते हैं, लेकिन कितना होता है वो उसकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा कर सके, लेकिन कई बार नहीं भी कर पाते ऑनेस्टली. मोनू सिंह, मोनू सिंह हेलो. हाँ जी हेलो मोनू बताइए. हाँ सर आवाज आ रही है? आ रही है जी. मैं सर ये पूछ रहा था कि जो ये ऑर्बिट राइटर है इसको हम लोग कैसे परचेज कर सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म है इसका? अजीम. हाँ जी देखिए आप एक सबसे पहले तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं, दूसरा आप हमारी वेबसाइट पर भी ऑर्डर कर सकते हैं. और अजीम चैट अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए, तो लोगों तक पहुंच जाएगा. चैट में आप लिख दीजिए. और क्या ये हिंदी का टेक्स्ट भी मतलब लिखने में सक्सेस है? हाँ आप हिंदी में भी लिख सकते हो. ओके थैंक यू. और डाउन एरो करोगे तो पढ़ भी सकते हो, जो आपका हिंदी है वो हिंदी पढ़ेगा. थैंक यू सर. नेक्स्ट तीन कॉल चैट रूम में है ऑर्बिट के लिए. ऑर्बिट का कोई फुल फॉर्म भी है? ऑर्बिट का कोई फुल फॉर्म? ऑर्बिट रिसर्च है मैडम, कंपनी का नाम जो है वो ऑर्बिट रिसर्च है, उसका कोई ऑर्बिट का फुल फॉर्म नहीं है. ऑर्बिट का मतलब कोई ऐसे कोई एक्रोनिम नहीं है ये. ओके नेक्स्ट तीन नाम. हेलो यस नाम बताइए. सॉरी फिर से. मनोज सोनी. मनोज सोनी एक नाम आ गया. दूसरा नाम कमल कुमार. पुष्पा. ओके मनोज कमल पुष्पा. मनोज पूछिए सवाल. हाँ जी सर. सर मेरा सवाल यह है कि जिसे इन्होंने बताया कि एंड्रॉइड पे भी इनका एक ऐप है, तो वो रेडियो उड़ान के नाम से ये ऐप जिससे इसको हम डाउनलोड करके इसे सुन सकते हैं? ठीक है. हाँ जी सर रेडियो उड़ान का, बिल्कुल रेडियो उड़ान का ऐप है जिससे आप सुन सकते हैं. एंड्रॉइड में एक दिक्कत है इसमें, ये अच्छा कि आपने पूछ लिया. एंड्रॉइड में हमारी 3 ऐप्स हैं वहाँ पे, वो एक्चुअली जिस
पहले डेवलप कराई थी किन्हीं कारणों से वो रिमूव नहीं कर पा रहे अभी वैसे भी, तो आपने वो वाली ऐप डाउनलोड करनी है जिसपे लिखा होगा रेडियो उड़ान बाय रेडियो उड़ान या radioudan@gmail.com, तो वो वाली ऐप हमारी जो करंटली फंक्शन है, तो ऐप स्टोर में एक ही मिलेगी आपको, वहां से वो मिल जाएगी। उसमें क्या ऐड होना चाहिए सर? बाहर जो लिखा होता है ना, तो डेवलपर में रेडियो उड़ान बाय रेडियो उड़ान आएगा, तो वो वाली ऐप आपने डाउनलोड करनी है। पुनीत, आप उसको चैट में उसकी लिंक डाल सकते हैं तो बढ़िया हो जाएगा। लिंक शेयर कर दें प्लीज, हाँ दोनों के। ठीक है, कमल, कमल हेलो, कमल हाँ सुन पा रहे हैं सर? सुन पा रहे, बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता था दैट हाउ विल दिस ऑर्बिट रीडर सुपरसीड द blind accessibility keyboard be there, we have a speech input as well, so how will this document supersede orbit reader? पूछिए, थोड़ा explain करिए आप पूछना क्या चाह रहे हैं। एक मिनट, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रहे हैं हम आप। हेलो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ये document है, ये जो orbit reader है, ठीक है, ये blind accessibility keyboard जो हम android पे use करते हैं, उसको कैसे रिप्लेस करेगा, क्योंकि उसमें भी हम स्पीच इनपुट देखते हैं, ठीक है, और जो एंड्रॉइड का जो सिस्टम है उसमें जो हिंदी कीबोर्ड होता है उसमें भी वॉइस इनपुट होता है, तो ये ब्रेल जो ऑर्बिट रीडर है उसको कैसे सुपरसीड करता है, कैसे उसको रिप्लेस? ठीक है, ठीक है, ये जो आप म्यूट कर दें। ओके, तो ये जो रीडर है उसका मेन फंक्शन या राइटर दोनों के फंक्शन ये है कि ये हार्डवेयर कीबोर्ड से यानी आपके फोन से अलग है, जिसमें 6 फिजिकल कीज है जिसको टच कर सकते हो और उसको फील कर सकते हो, तो ये फिजिकल कीबोर्ड है जिससे आपको लिखने में बड़ी आसानी होती है। और हम छोटे छोटे एक दो वाक्य की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जहां आप वॉइस टाइपिंग कर पाओगे। सुशांत इनको म्यूट कर दे, मेरे को काफी फीडबैक आ रहा है। तो वॉइस टाइपिंग वाली बात जो है वो लंबे डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए संभव नहीं है। लंबे डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये हो रहा है कि अगर आप स्टूडेंट है तो आप पूरी एग्जामिनेशन पेपर आप कैसे लिखोगे, ये सबसे बड़ी समस्या आती है। क्योंकि अगर हम राइटर के भरोसे जब हम एग्जाम्स लिखते हैं तो उससे जॉब सिचुएशन में जब हम पहुंचते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जब पहुंचते हैं, हमारे पास राइटिंग स्किल नहीं होती है, और राइटिंग स्किल ना होने की वजह से कई लोगों को जॉब प्लेसमेंट में दिक्कत आ रही है। इसी तरह से अगर आप कोई जॉब में है, वहां पे अगर आपको कोई लंबा डॉक्यूमेंट लिखना है, ईमेल लिखना है, तो वो आप वॉइस टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। और ये सारी समस्या को हल करने के लिए जिनका टाइपिंग ब्रेल से अच्छा है, जिनको ब्रेल टाइपिंग अच्छा आता है हार्डवेयर की से, उनके लिए ये राइटर प्रोडक्ट बनाया गया है। पुष्पा, जी सर, सर मेरा क्वेश्चन है कि जो ऑर्बिट राइटर है इसमें जो कीज बनी है उनमें क्या ब्रेल, वो ब्रेल में भी लिखा हुआ है? उसमें ब्रेल में लिखा नहीं होता है, पर उसकी जो रचना है वो बड़ी प्रोमिनेंट है। बटन्स आप फील कर सकते हैं, जैसे अपने पुराने फोन में जैसे बटन्स आते थे वैसे ही बटन्स। जी जी। तो 6 बटन्स, ऊपर की लाइन में 6 बटन है, लेफ्ट साइड पे 1.3.1.2.3 और राइट साइड पे .4.5.6। उससे थोड़ा नीचे आओगे तो एक सर्कल फॉर्म है, सर्कल के अंदर लेफ्ट राइट अप और डाउन एरो कीज है और बीच में एंटर की है, उसके बिल्कुल नीचे स्पेस बार है लंबा सा और .7 और .8 उसके लेफ्ट और राइट पे है। तो उसको इस्तेमाल करना बड़ा आसान है, जिसको ब्रेल टाइपिंग आती है उसके लिए बड़ी सुविधाजनक चीज है। नेक्स्ट तीन नाम हमें पूछे सर, एक क्वेश्चन और नहीं, बाद में पूछा, थोड़ी देर बाद में आप पूछ सकते हैं। हेलो, राइट, नाम बताइए सर। माय नेम इज खेम सिंह। खेम सिंह, ओके। कृष्णा, ओके, खेम सिंह कृष्णा। नेक्स्ट तीसरा, एजाज, ओके, सूर्यकांत, जस्ट ओके, खेम सिंह शुरू करें। सर खेम सिंह बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ इसमें, जो ऑर्बिट रीडर की बात की थी उस समय थोड़ा सा लेट मैं ज्वाइन हुआ था कारणवश। अच्छा सर, जो इसकी रिफ्रेशेबल डिस्प्ले है सर, जैसे जब हम पढ़ेंगे
तो जाहिर से सर हमें पेपर्स जो है वो जैसे ब्रेल पेपर्स होते हैं ना सर, उसमें कैसे मतलब पेपर्स क्या होगा सर, उसमें स्क्रीन पे ही पढ़ेंगे या मतलब कैसा होगा सर वो मतलब रीडिंग के लिए? रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले जो होता है उसमें जैसे ब्रेल के डॉट्स होते हैं वैसे ही डॉट्स उभर के आते हैं, एक लाइन में 20 डॉट्स होते हैं, 20 सेल होते हैं, आप एक लाइन पढ़ लेंगे उसके बाद पैन बटन दबाएंगे तो वो दूसरी लाइन वहां उभर के आएगी, पहली लाइन मिट जाएगी और दूसरी लाइन जो 20 सेल है वो दूसरे 20 कैरेक्टर आपके सामने आ जाएंगे। ये रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले की बात है जिसको हम ऑर्बिट रीडर कहते हैं। और जो ऑर्बिट राइटर है उसमें कोई भी ब्रेल सेल नहीं है, वो आपके कनेक्टेड डिवाइस यानी आपका एंड्रॉइड फोन या आपका जो कंप्यूटर है उसका TTS इस्तेमाल करेगा। यानी आप टाइप यहां करेंगे ऑर्बिट राइटर के ऊपर जो कीबोर्ड है, पर बोलेगा जो भी लिखा है आपने उसको बोलना है, आपका फोन जैसे टॉकबैक बोल रहा है वैसे ही वो बोलेगा। सर मैं रेडियो उड़ान से जुड़ना चाहूंगा, रेडियो उड़ान की टीम को मैं पहले से भी जानता हूँ और मुझे इनसे एक ही चीज पूछनी है कि जैसे कि हम लोग काफी सुन रहे हैं कि हम आरजे या एज एनी कंट्रीब्यूटर हम वर्क कर सकते हैं रेडियो उड़ान में, तो उसका प्रोसेस क्या है? और सर दूसरा मैं एक ही सवाल कृष्णा, दूसरा सवाल बाद में। थैंक यू दानिश। आप हमारी वेबसाइट पे बिकम एन आरजे का फॉर्म भर सकते हैं और हमें ईमेल करके भी बता सकते हैं, तो फिर उसके बाद हम खुद आपको कॉल करके आपसे बातचीत करेंगे, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ट्रेनिंग देंगे और शुरू करवाएंगे। एजाज सर, थैंक यू। जो YouTube वगैरह पर है वहाँ पे आपके फोटोज अपलोड होते हैं, सारे फोटोज अपलोड होते हैं। दानिश आपको YouTube पे मेरे को हल्की फुल्की इनका समझ आया क्वेश्चन, कोशिश करता हूँ वही होगा। YouTube पे सारे शो अपलोड नहीं होते हैं क्योंकि कॉपीराइट के कई इश्यूज होते हैं, तो जो म्यूजिक के बिना हम डाल सकते हैं शो, डिसेबिलिटी से रिलेटेड तो सारे शो होते हैं, लेकिन जनरल में जो म्यूजिकल शोज होते हैं वो नहीं डालते हैं कॉपीराइट इश्यूज के कारण। ओके थैंक यू। सवाल नेक्स्ट तीन, एक सूर्यकांत का नाम है और दो लोग अपना नाम बताएं। प्रकाश चंद। ओके नेक्स्ट उमेंद्र। ओके सूर्यकांत, प्रकाश, उमेंद्र। सूर्यकांत गो अहेड। यस सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। या गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि ये जो ऑर्बिट रीडर है ये कितना कॉस्टली है, मतलब कॉस्ट क्या पड़ेगा इसका? और दूसरा दानिश जी से मेरा ये क्वेश्चन। एक ही सवाल सूर्यकांत, एज यूजुअल नेक्स्ट टाइम अगेन दूसरा सवाल। सो ऑर्बिट रीडर रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले जो है जिसमें आप ब्रेल सेल्स भी है जो आप ब्रेल पढ़ सकते हैं, उसकी कीमत 32,000 प्लस 5% GST है। ओके नेक्स्ट प्रेम नाम था ना, प्रकाश था शायद। हेलो नमस्कार सर। हाँ जी नाम। नमस्कार सर, आवाज सुन रहे हो सर? सुन रहे, नाम बताए। सर नाम प्रकाश चंद है। गो अहेड सर। जो आर्बिट वो राइटर जो है, अगर उसमें कम से कम हम कितनी लाइन लिख सकते हैं, या उसको अगर लैपटॉप से कनेक्ट किया जाए और अगर हम उसमें लिखते हैं तो लैपटॉप में लिखा हुआ आर्बिट राइटर की स्क्रीन पे लिखा हुआ आ सकता है क्या ब्रेल में? ऑर्बिट राइटर ये काम नहीं कर सकता। ऑर्बिट राइटर का काम है सिर्फ टाइपराइटर जैसा, कीबोर्ड का काम है। कीबोर्ड में कुछ तो वो कितनी लाइन लिख सकता है, मतलब उसमें कितने स्पेस होते हैं? एक उसमें स्पेस नहीं होती, स्पेस आपके लैपटॉप पे होती है। स्पेस आपके वर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आपने मान लो खोल लिया लैपटॉप में वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उसमें आप कितना भी लिख सकते हो, पर टाइपिंग करने के लिए जो वर्ड डॉक्यूमेंट में आप कंप्यूटर का कीबोर्ड इस्तेमाल करोगे उसकी जगह पे ये ब्रेल कीबोर्ड इस्तेमाल करोगे। फर्क ये है ना? ठीक है ओके उमेंद्र। ठीक है जी सर। गुड।
जी सर, मेरा क्वेश्चन है, कौन करेगा? जैसे ऑर्बिट राइटर में जो बटन है वो सेल में जैसे रहता है अप टू डाउन, वैसा है कि लेफ्ट टू राइट है सर? और ऑर्बिट राइटर में जो बटन की रचना है, अगर आप फोन को खड़ा नहीं, लैंडस्केप व्यू में अगर आप पकड़ते हो, आपके फोन मोबाइल फोन को लैंडस्केप व्यू में पकड़ लीजिए, पोर्ट्रेट नहीं, खड़ा नहीं, आड़ा कर दीजिए उसको, अगर वैसे मोड में आप उसको रखते हैं तो ऊपर की लाइन में तीन आपको बटन्स मिलेंगे, लेफ्ट साइड पे की वन, की टू, की थ्री, और राइट साइड के ऊपर ऊपर की लाइन में फोर, फाइव और सिक्स मिलेंगे। फिर उससे थोड़ा सा नीचे आप देखोगे तो वहां बीच में एक बड़ा सा सर्कल जैसा आपको दिखाई देगा, जो सर्कल में लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो रहते हैं, और बीच में एक उभरा हुआ बटन रहता है, वो एंटर बटन है। उसके नीचे जैसे आपने फोन को आड़ा पकड़ा है और बिल्कुल नीचे की लाइन में आपको लंबा सा स्पेस बटन मिलेगा, और उसके लेफ्ट साइड पे की सेवन और राइट साइड पे की एट मिलेगी आपको। इस तरह की उसकी रचना होती है। जी सर, जैसे ऑर्बिट राइटर को हम परचेस कर लेंगे, उसके बाद पसंद नहीं आने पर उसको रिटर्न भी किया जा सकता है? आप थोड़ी देर बाद ये सवाल पूछिएगा दोबारा, क्योंकि ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। उमेंद्र, सबको एक सवाल पूछने की अनुमति है ना एक बार में? ठीक है, नेक्स्ट तीन, धन्यवाद सर। नेक्स्ट तीन नाम। हेलो सर। हेलो सर। कौशल, ओके, नेक्स्ट सर। हरीश बात कर रहा हूं। हरीश, हरीश दूसरा नाम आ गया। तीसरा नाम, तीसरा नाम कौशल और हरीश के बाद कोई और पूछना चाहेंगे? नहीं है। ओके, कौशल गो अहेड। कौशल हेलो सर। हां निकेत सर। सर नेक्स्ट नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सैटरडे को सेशन थवान अनिकेत सर नाम आडे छे। ओके, कौशल का सवाल है नेक्स्ट सैटरडे क्या सेशन होने वाला है? ये अभी हमने डिसाइड इसलिए नहीं किया है कि अभी लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन कब खत्म हो रहा है, कैसे खत्म हो रहा है, उसकी जानकारी अभी किसी को पास नहीं है। अगर लॉकडाउन खत्म हो जाता है, खुल जाता है और लोग अपने अपने जॉब्स पे जाने लगेंगे, तो वो सेशन हम अगले संडे को करेंगे नेक्स्ट सेशन, बिकॉज देयर इज लॉकडाउन एवरीवेयर। इफ द लॉकडाउन ओपन्स एंड इफ पीपल स्टार्ट रिज्यूमिंग देयर जॉब्स, देन इंस्टेड ऑफ सैटरडे वी विल शिफ्ट दिस सेशन टू नेक्स्ट संडे, एंड दैट इज व्हाई द सेशन हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज येट। आपको ईमेल या व्हाट्सएप से उसकी जानकारी मिल जाएगी। यू वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट द नेक्स्ट सेशन फॉर नेक्स्ट सैटरडे और संडे बाय ईमेल और व्हाट्सएप। हरीश सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून। हेलो हरीश, बोलो। हेलो सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप iOS डिवाइस के लिए भी रेडोडान ऐप इंस्टॉल करने के लिए लिंक भेजिए सर। ओके पुनीत, रेडियो उड़ान की दूसरी चैनल भी आप डाल दीजिए iOS के लिए भी। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट तीन नाम और आप हो सर? मैं अमन बात कर रहा हूं। एक अमन, ठीक है। दूसरा नाम अनिकेत। अनिकेत, ओके। तीसरा नाम सर हरिओम। सर हरिओम। हरिओम, ओके। अमन, हरिओम, और बीच में कितने बोला? Your client exit full copy you join audio cheers Aman, बोलिए सवाल पूछिए। Start video set close सर, मेरा क्वेश्चन ये कि ऑर्बिट मीटिंग एंड मीटिंग ओनली। एक मिनट एक मिनट, ये कोई अपने कीबोर्ड ब्रेल स्टाइल कीबोर्ड ही क्यों चुना, जबकि मेरा मानना ये था कि क्वार्टी कीबोर्ड जो है वो ज्यादा आसान नहीं रहता टाइपिंग करने के लिए। क्वार्टी कीबोर्ड अमन तो उपलब्ध है ही आपके पास, वो तो आप बाजार से खरीद ही सकते हो, जिसको आप ओटीजी केबल के द्वारा या ब्लूटूथ से आप पेयर करके इस्तेमाल कर सकते हो। पर अगर जो बंदे ब्लाइंड स्कूल में पढ़े हैं, उन्होंने टाइपिंग नहीं सीखा है, उन्होंने सिर्फ ब्रेल टाइपिंग सीखा है, ये ऑर्बिट का जो राइटर है वो उनके लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगर आप क्वर्टी इस्तेमाल कर रहे हो तो बढ़िया है, आप प्लीज उसको इस्तेमाल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट, नेक्स्ट कौन था अमन के बाद? अनिकेत। अनिकेत, गो अहेड अनिकेत। सर, जो ऑर्बिट रीडर 20 है वो मराठी हिंदी लैंग्वेज तो लिख सकता है, पर उसमें लिख सकते हैं क्या, नोट्स वगैरह बना सकते हैं क्या वही पे? ऑर्बिट रीडर 20 में बिल्कुल आप अपनी नोट्स बना सकते हो,
किसी भी भाषा में बना सकते हो, बड़ी अच्छी तरह से वो लिखेगा और उसको TXT फॉर्मेट में वो सेव करेगा। आप उसको जैसे प्रवीण ने बताया कि आप लैपटॉप या फोन के साथ कनेक्ट करके जो भी आपने लिखा है उसको आप ईमेल भी कर सकोगे और किसी को भी 32,000 प्लस GST 5%। ओके, तीसरा मेरी आवाज आ रही है हमें सर? हाँ जी। मैं इनको सर एक्चुअली मैं म्यूट कर रहा था, हो नहीं रहा था। इन्होंने iOS डिवाइस की बात की थी ऐप की, तो मैंने दोनों शेयर कर दिए यहाँ पे चैट में डाल दिए। ठीक है, थैंक यू पुनीत जी। जी तीसरा नाम किसका था जी? हेलो, अनिकेत के बाद किसका नाम था? सर नमन हियर। नमन गो अहेड। सर मैं पूछना चाहता था कि देयर इज एनी एज क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ रेडियो जॉकी इन सर सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून सर। हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम सर उसका प्राइज नहीं सुन पाए सर। वो मतलब ऑर्बिट राइटर था उसका सर, प्राइज बता दीजिए एक बार दोबारा। राइटर की प्राइस 2,500 रुपए है प्लस GST, 2,500 प्लस GST जो कीबोर्ड है उसकी। ओके थैंक यू सर। ओके, अगले तीन नाम मुझे बताए जाए। तीन नाम सर, माधव। माधव आ गया एक नाम। दूसरा नाम नमन सर। नमन आपने तो अभी पूछा सवाल, आप थोड़ा वेट करें सर, आपने बोला ठीक है, आपका सवाल तो हो गया बीच में। हाँ जी नेक्स्ट, माधव के बाद नेक्स्ट सर रविंद्र। रविंद्र गोयड। ओके दूसरा नाम हो गया। तीसरा नाम माधव, रविंद्र, मनीषा। मनीषा ओके, माधव स्टार्ट करें। माधव स्टार्ट योर क्वेश्चन। सर ये सर आवाज आ रही है सर? आ रही है, गो अहेड। हेलो, बाकी सर, म्यूट करें, बाकी लोग म्यूट करें, बाकी लोग म्यूट कर दें, माधव को पूछने दें। सर ऑर्बिट के रिपेयरिंग के बारे में क्या पोजीशन है सर? रिपेयरिंग के लिए कहाँ उसे भेजना पड़ेगा? ऑर्बिट रीडर या ऑर्बिट रीडर के बारे में पूछ रहा था सर मैं। अजीब रिपेयरिंग के बारे में। अजीब आप रिपेयरिंग के लिए आपको बड़ौदा गुजरात भेजना पड़ेगा। तकरीबन कितने दिन लग सकते हैं सर? क्या समय लग सकता है? जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में हैं तो आप आज डिवाइस अगर आप आज भेजेंगे तो कल तक हमें मिलेगा और दो दिन हमारा रिपेयर टाइम है, उसका स्टैंडर्ड रिपेयर टाइम है और उसमें फिर हम लोग रिपेयर करने के बाद उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। बात के चलिए आपके 4-5 दिन रिपेयर होके वापस मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्र हियर। रविंद्र, रविंद्र गो अहेड, गो अहेड। हाँ सर मैं पूछा था, सेमिनार काफी अच्छा हो रहा है सर, ये बोल रहा था मैं। और सर क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है सर मेरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपका कोई इंट्रोडक्शन थोड़ा बता सकें कभी भी बाद में या पहले कभी भी जमा तो। डॉक्टर होमिया सर का इंट्रोडक्शन। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं एंड में बताऊं तो चलेगा या अभी बता दूं? चलेगा चलेगा सर, कभी जब आपकी इच्छा हो सर। ठीक है, थोड़ी देर में बता आपका इंट्रोडक्शन। अच्छा सब चाहते हैं, चलिए बता ही देते हैं। तो जैसे आप लोग जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर होमिया है। हम बुकशेयर जो लाइब्रेरी है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, उसकी जो कंपनी है बेनेटेक, लाइब्रेरी का नाम बुकशेयर है पर जिसको चलाती है उसका नाम बेनेटेक है। बेनेटेक के लिए हम एशिया और अफ्रीका के इंचार्ज है। एशिया और अफ्रीका के जो रीजन में बेनेटेक के सारे ऑपरेशंस जो होते हैं उसको हम देखते हैं, तो मूल काम हमारा यही है। उसके अलावा जो हमारा पिछला कुछ देखे तो हम NAB दिल्ली के साथ भी जुड़े थे CEO के रूप में, और उससे पहले पुणे में थे हम, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में CEO के भूमिका हमने निभाई है। मूल हमारा जो एजुकेशन है वो फिजियोथेरेपी है, तो हमने तकरीबन 27-28 साल तक क्लिनिकल प्रैक्टिस भी की है अहमदाबाद में, और हमने फिजियोथेरेपी कॉलेज फॉर द ब्लाइंड की भी शुरुआत की थी अहमदाबाद में जो आज भी चल रही है। तो
तो ये संक्षेप में हमारा इंट्रोडक्शन है, हम खुद भी टोटली ब्लाइंड है, राइट? ओके, मनीषा कौन सिटी में सर आप, सिटी कौन सा सर आपका? अहमदाबाद, राइट राइट, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू. मनीषा हेलो सर, हाँ जी, क्या मैं उड़ान रेडियो उड़ान पे मैजिक ऑफ मैथ्स के सारे एपिसोड्स कहाँ देख सकती हूँ? आप यूट्यूब पे सारे देख सकती हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपको लिंक भी दे सकते हैं, यूट्यूब पे सारे हैं. और होमिया सर की भी ज्यादा आप पूरी जानकारी जो होमिया सर के बारे में जानना चाहते हैं, यूट्यूब पे रेडियो डान एक मुलाकात होमिया सर, होमिया लिखोगे तो आपको मिल जाएगी सारी जानकारी इनके बारे में. थैंक यू सर. थैंक यू दारिश. नेक्स्ट तीन नाम, अगले तीन नाम. सर कैन आई आस्क नाउ? सर कैन आई आस्क नाउ? नमन. नमन, सूर्यकांत, नमन एंड थर्ड पर्सन कौन है? विकास. थर्ड विकास, ओके. सूर्यकांत, नमन, विकास, गो अहेड. सूर्यकांत. या सो माय क्वेश्चन इज डायरेक्टली टू दानिश सर. सो दानिश सर, मुझे ये जानना है कि ये रेडियो उड़ान जो है, इसे आप लोग नॉर्मल एफएम में क्यों नहीं ट्रांसमिशन करते हो? क्योंकि बहुत सारे वीआई ऐसे होंगे जो कि मे बी ऐसे हो सकता है कि एंड्रॉइड फोन अफोर्ड नहीं कर पाते हो, या फिर उनके पॉकेट में ना हो, वो लोग एंड्रॉइड फोन ना खरीद पाए, तो वो लोग कैसे सुन पाएंगे रेडियो उड़ान को? और दूसरी चीज, आज लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको. जो आपने पहले एंड्रॉइड वाली बात करते हैं, तो कहते हैं कि मदर इज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो एक तो अगर अब आपके पास नहीं होगा तो आप इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे. एंड्रॉयड फोन आजकल इतने महंगे नहीं है, तो आप लेंगे तो सारी अगर आप जुड़ जाएंगे तो सारी उम्र आपके लिए बेनिफिट होगा, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में. तो इसलिए आप कैसे भी करके अगर जुड़ जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया लाइफ टाइम के लिए. लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये तो बात की बात है, लेकिन जो आपने पहले पूछा, एफएम रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी होती है कम्युनिटी रेडियो की, वो सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर की होती है. जैसे एनएवीएच में एक दून रेडियो चलता है या चलता था, तो किसी को ज्यादा पता नहीं है उसके बारे में. तो जो इंटरनेट रेडियो है, आजकल नेट तो हर किसी के पास है और आने वाले टाइम में हर किसी को जुड़ना पड़ेगा, तो आजकल इसी का जमाना है इसलिए. और उसमें पैसा भी बहुत चाहिए और आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जबकि हमारे जो डिसेबल्ड है वो अलग अलग जगह पे रहते, एक सीमित दायरे में नहीं रहते हैं, तो उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता था इसलिए. नमन. हेलो सर. नमन गोयल. सर, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट वी कैन शेयर विद रेडियो उड़ान? जो लीगल है, जो सभ्य है, वो हर तरह का कंटेंट आप रेडियो पे. ऑडियो गेम्स, ऑडियो गेम्स, ट्यूटोरियल्स, ऑडियो गेम्स. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप शेयर कर सकते हो. ऑडियो गेम्स में हमने शो बनाए भी हुए हैं टेक्सिटी के नाम से, आप हर तरह इस तरह का हर शो ले सकते हो. आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, यूट्यूब पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी. विकास. ओके सर, थैंक यू सर. मुझे ये पूछना था कि पिछले वेबिनार में अमेजिंग एमपी3 ऑडियो का वो डेमो रह गया था, वो कब होगा? अगली बार होगा, क्योंकि ये उदिता का भी आज बाकी हो गया, तो वो और अमेजिंग हम अगली बार करेंगे. और हो सकता है कि हम उसके साथ साथ एनेबल इंडिया का आई टूल प्रेजेंट करें अगली बार में. ये तीन चीज है, पर डेट अभी तय नहीं है जी. थैंक यू. अगले तीन प्लीज. अगले तीन नाम सर. उमेंद्र. उमेंद्र एक. सेकंड सर. दिलीप. दिलीप सेकंड. थर्ड सर. सागर. 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 उमेंद्र शुरू करें. सर मेरा क्वेश्चन सर आपसे ही है. फिजियोथेरेपी का कोर्स सर ब्लाइंड के लिए करियर, इसके बारे में सर आपसे पूछना चाहूंगा सर. फिजियोथेरेपी एज अ करियर फॉर द ब्लाइंड बहुत ही अच्छी चीज होती थी आज से पहले, और जिन्होंने पहले प्रैक्टिस शुरू कर दिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है.
पर फिलहाल की लीगल रिक्वायरमेंट्स ऐसे बन रहे हैं जहां पे मेडिकल काउंसिल वगैरह में रजिस्ट्रेशन वगैरह की थोड़ी प्रोसेसेस भी क्लियर नहीं है, तो जिसकी वजह से आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फिजियोथेरेपी करना चाहते हो तो आप बीएससी फिजियोथेरेपी रेगुलर में करें, ब्लाइंड होते हुए भी आप रेगुलर बीएससी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, उसके लिए सारे प्रावधान अभी है, तो आप 12 साइंस करके 12 साइंस भी आप कर सकते हैं एज अ ब्लाइंड पर्सन, वो करके आप रेगुलर फिजियोथेरेपी कॉलेज में एडमिशन लेके कर सकते हो, या फिर आप फिजियोथेरेपी कॉलेज फॉर द ब्लाइंड के जरिए जाके फिर आगे एड ऑन कोर्सेस करके आप बीपीटी की डिग्री भी ले सकते हो। अगर वहां तक आप करने की पूरी उम्मीद रखते हैं और प्रयास करना चाहते हैं तो फिजियोथेरेपी डेफिनेटली इट इज वर्थ वाइल, पर आप अधूरा कोर्स करके खाली डिप्लोमा लेवल का कोर्स ना करें, क्योंकि उससे आगे चल के आपको रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम आ सकती है। वरना फाइनेंशियली बात करें तो फिजियोथेरेपी इज एन एक्सट्रीमली आई वुड से सैटिस्फाइंग एरिया, कैरियर है, उसमें जॉब कर सकते हैं, आप खुद का प्राइवेट क्लिनिक भी कर सकते हो, खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट कौन था? सर अगला मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कमल कुमार। कमल सर, दिलीप, दिलीप मैंने कहा था। हाँ दिलीप बोलिए। महेश कुमार दास, एक मिनट, अगले नाम लेंगे हम थोड़ी देर बाद, अभी दिलीप और सागर को पूछना है, उसके बाद नाम लेते हैं, ठीक है? दिलीप गो अहेड। सर मेरा सवाल रेडियो उड़ान टीम से है। जैसा कि आपने बताया कि आप 7 बजे से 11 बजे तक लाइव शो करते हैं और 2 बजे से 6 बजे तक अगले दिन वो रिपीट होते हैं, बाकी टाइम म्यूजिक चलता रहता है, तो मेरा आपको ये थोड़ा सजेशन मान लीजिएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि 12 से 14 घंटे आप अगर आप लाइव शो चलाएं और कुछ ही जो लिमिटेड है उनको ही रिपीट करें, जब आप 24 आवर सर्विस दे रहे हैं तो। मैन पावर की कमी है बॉस, जैसे जैसे आरजेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने स्लॉट को बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि ये एक वॉलेंटरली प्रोजेक्ट है तो आपको लिमिटेड मैन पावर है। हम लोग सुबह जॉब पे जाते हैं, ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं, तो अर्निंग के लिए वो काम करते हैं हम लोग, तो फिर टाइम को भी मैनेज करना, लेकिन जैसे जैसे मैन पावर बढ़ेगी ऑब्वियसली आपके सजेशन को हम मानेंगे। नहीं नहीं, वो इस पे आपकी जॉब पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो अपने शो घर पर रहकर रिकॉर्ड पर। ऑफिस पे तो जाना ना भैया 5 बजे तक, तो वहां से नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं नहीं, लाइव का मेरा मतलब ये है कि आप कभी भी उसको रिकॉर्ड करके आप अगर उसको प्ले करेंगे और रिपीट। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक शो को बनाने में कम से कम 6 से 10 घंटे लगते हैं एक शो को बनाने में, तो इतना करना फिर आप समझ रहे हैं वही बात, टाइम वॉलेंटरली आपको घर भी देखना है तो। लेकिन आप लोग आगे बढ़ो, जैसे जैसे आप लोग आएंगे बिल्कुल टाइम बढ़ता जाएगा। हेलो हेलो, सागर पूछिए। सर जो ऑर्बिट रीडर और ऑर्बिट राइटर जो है सर, उसको परचेज कैसे कर सकते हैं? परचेज करने के लिए आपको चैट में अभी इन्होंने असीम ने अपना मोबाइल नंबर वगैरह भी रखा है, और जो रिकॉर्डिंग लिंक्स के साथ जो ईमेल आएगा आपको, उसके अंदर उनकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल, सब कुछ दे दिया जाएगा। तो ये प्रोग्राम का जो रिकॉर्डिंग है उसका जो लिंक आएगा आपके पास, उसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा, उसमें नीचे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट 3 सवाल, नेक्स्ट 3 नाम बताइए। कमल कुमार सर। कमल एक, सॉरी फिर से बोलिए, दोनों साथ में बोले। विशाल, हरीश और सर। हरीश और विशाल, ओके। कमल, हरीश, विशाल। कमल शुरू करें। सर, हाँ जी सर, हेलो कमल बोलिए, हम सुन रहे हैं। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे आपने फिजियोथेरेपी के बारे में बताया, मेरा सवाल आप ही से है, ठीक है? तो हेलो सर, ये आवाज डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। वो आपके वहां से आपको ऑडियो फीडबैक आ रहा है, हेडफोन लगा दोगे तो नहीं आएगा, वरना आप बोलिए, हमें सुनाई दे रहा है। कमल आप बोलिए अभी।
थेरेपी के बारे में बताया, तो ये जो है ये केवल साइंस वालों के लिए है कि दूसरे स्ट्रीम वालों के लिए नहीं है क्या? दूसरी स्ट्रीम से अगर आपको करना है तो आपको जो अहमदाबाद में जो स्कूल चल रही है फिजियोथेरेपी का ऑनलाइन, या फिर आपको मुंबई में वर्ली में चल रही है एनएबी की, पहले उनका कोर्स करना पड़ेगा जिससे आपको एक डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम मिलेगा, फिर आपको बीएससी लेवल के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, और फिर आपको और 3 साल करने पड़ेंगे, तो 6 साल से आप वो कंप्लीट कर सकते हो बिना साइंस के। 6 साल लगेंगे आपको। हाँ जी ओके ठीक है। नेक्स्ट हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है, बोलिए। सर क्या मैं जान सकता हूँ कि ये ऑर्बिट डिवाइस का वारंटी कितना रहता है सर? अजीम ये ऑर्बिट डिवाइस का वारंटी 1 ईयर का रहता है। ठीक है थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन था नाम? यस विशाल। विशाल जी बोलिए। विशाल सर जो रेडियो उड़ा रहे हैं, और सर जो ऑर्बिट रिसर्च है सर, तो इनके साथ शेयर होल्डर नहीं है सर? जैसा आप सर ने बताया, दानिश सर ने, इनकी जो अपने पॉकेट से कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो सर इन्हें शेयर होल्डर नहीं बनाया सर अपने लिए रेडियो उड़ाने के लिए? इनसे इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंक्रीज हो सर, और जो इनका जो मैन पावर वो भी बढ़ेगी सर इससे, तो ऐसा सर इन्होंने ऐसा नहीं किया सर? ये मेरा क्वेश्चन है सर, ऑर्बिट रिसर्च जो है वो तो एक कमर्शियल कंपनी है, तो वो तो बहुत बड़ी और उनमें कई सारे लोग काम करते हैं, तो वो तो एक नॉर्मल कंपनी की तरह ही काम कर रही है, पर रेडियो उड़ान का जवाब दानिश देंगे। ओके सर यही सही कुछ है। मुझे इनका सर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, आप क्या कह रहे हैं? कमर्शियल क्यों नहीं? हम कमर्शियल नंबर एक जो हमारी जो अर्निंग है वो हम लोग जॉब करते हैं अपनी। कमर्शियल रेडियो के लिए नंबर एक एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट, नंबर वन। लेकिन अगर हम चलो उसकी जगह दूसरों को किसी को भी बना भी देते हैं, तो अभी इंडिया में फंडिंग प्रोस्पेक्टिव से एक तो हमारे पास मैन पावर बात वही आती है कि हम कहाँ कहाँ लगें फंडिंग में करें या कंटेंट क्रिएट करें, क्योंकि उड़ा रेडियो कोई भी रेडियो स्टेशन हो वहाँ शो बनाने में बहुत टाइम लगता है, और यहाँ क्योंकि कोई पेड एम्प्लॉई नहीं है तो आपको सारा काम खुद करना है, अपना कंटेंट बनाना, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, लैंग्वेज को सुधारना, ब्रॉडकास्टिंग के लिए देना, यूट्यूब पे खुद डालना, उसकी प्रमोशन खुद करना, तो मैन पावर की बहुत बड़ी कमी है, और इंडिया में अभी ऑनलाइन रेडियो का इतनी एड आपको नहीं मिलती है जिससे आप इसको कमर्शियल लेके जाओ, लेकिन इन फ्यूचर देखते हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे थोड़ा सा टाइम एक्सपीरियंस आएगा तो उस दिशा में भी काम करेंगे। थैंक यू। अगले 3 नाम प्लीज। पुष्पा नेगी। पुष्पा ओके नेक्स्ट। सूर्यकांत। थर्ड। तीसरा नाम महेश। ओके प्रेमलता रुक जाओ। पुष्पा, सूर्यकांत, महेश। पुष्पा पुष्पा नाम पूछिए, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, मुझे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो ये एक्चुअली जूम ऐप पे जो मीटिंग हो रही है, तो मेरे कांटेक्ट में और भी स्टूडेंट हैं जो ब्लाइंड हैं एक्चुअली, तो वो लोग भी इसमें ऐड हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं? अगर उनके पास एंड्रॉइड फोन या कंप्यूटर है जिससे वो जूम मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनको अपना नाम जो है बुकशेयर हेल्पलाइन पे रजिस्टर करवाना है, उसका ईमेल रजिस्टर करवाएंगे, तो उनको भी जैसे आपको इन्विटेशन पहुंच गया उनको भी पहुंच जाएगा, तो उनसे आप बताइए कि वो रजिस्टर करें। अगर उनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो फिर आप उनको रिकॉर्डिंग जो आपके पास आ रहा है वो उनको आप शेयर कर दीजिए। नहीं स्मार्टफोन तो है उनके पास, तो उनको बुकशेयर हेल्पलाइन से रजिस्टर करवा दीजिए। आप उनको बुकशेयर का हेल्पलाइन नंबर आपके पास जो है वो उनको दे दीजिए, उनको बताइए कि रजिस्टर करवा दे अपना नाम। जी जी ठीक है। नेक्स्ट सूर्यकांत। थैंक यू। यस सर आवाज आ रही है? आ रही है, गो अहेड। या तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है,
मैं ये जानना चाहता हूँ दानिश सर से कि बिकम आरजे, मतलब एक आरजे बनने के लिए बेसिकली क्या क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए. सपोज अगर हम इनिशिएटिव लेते हैं, कोई स्पेशल कोर्स है हार्डवेयर नेटवर्किंग का या मास कम्युनिकेशन का करना होगा ना डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं. बाकी रेडियोज के लिए बिल्कुल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है. मास कम्युनिकेशन का आपको करना पड़ेगा, इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी. रेडियो उड़ान पे आपको किसी तरह की कुछ कोई एजुकेशन, कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, कुछ नहीं चाहिए. खुद ट्रेंड करते हैं, सिर्फ आप में डेडिकेशन और पैशन होना चाहिए. जब हमने शुरू किया था, हम में से एक भी बंदे के पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी इस फील्ड से रिलेटेड. और जर्नलिज्म के लिए भी वैसे नहीं चाहिए होती है, आप वैसे भी बन सकते हो अगर आपका शौक और डेडिकेशन है. रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के हैं, तो उनके पास कोई जर्नलिज्म का कोर्स नहीं था, लेकिन इतना बड़ा चैनल उन्होंने एम्पायर खड़ा किया. तो बन सकते, पैशन और डेडिकेशन ज्यादा जरूरी है. रेडियो डान पे कोई आपको कुछ किसी तरह कुछ नहीं चाहिए. महेश. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. मैं नमस्कार सर. जी बोलिए. आ रही है सर. मैं ये जानना चाह रहा था, ये ऑर्बिटिक राइटर जो है, तो ये राइटर जो है क्या ये हम मोबाइल या ये लैपटॉप पे अगर ये उसको लगाएंगे, तो ये जो ब्रेल की जिस उसमें लगा हुआ है, तो ब्रेल की से जब हम उसमें से लिखेंगे, क्या ये देवनागरी लिपि या ये लिपि में वो लिखा जाता है? हाँ जी, देवनागरी लिपि में अगर आप हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकता है. आप लैंग्वेज चेंज करने के ऑप्शन है वहाँ पे, आप अलग लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो. आपको जो लैंग्वेज में लिखना है उस लैंग्वेज में आप डायरेक्टली टाइप करोगे ब्रेल में, तो उस अक्षर का वहाँ पे टाइप हो जाएगा, आपके फोन के जो एडिट बॉक्स है उसके अंदर टाइप हो जाएगा. अगले तीन नाम प्लीज. सर प्रेमलता. ठीक है, प्रेमलता एक. दूसरा नाम कृष्णा. नाम बताइए. हेलो सर. हेलो ना बोलिए, नाम बताइए. हेलो, तेजराम साहू बात कर रहा हूँ मैं. तेजन. हेलो तेजराम साहू. तेजराम साहू. सबसे पहले यस सर, मैं ओके. तीन नाम आ गए. हाँ सर, ये मैं रुकिए रुकिए तेजराम. हाँ मुझे जो है तेजराम रुक जाइए. हाँ. आपका आपका टर्न आएगा. अभी पहले नाम थे उनको बोलने दीजिए. हाँ जी गो एड फर्स्ट. सर प्रेमलता. गो एड. गुड आफ्टरनून टू ऑल. सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ऑर्बिट रीडर एंड राइटर, ऑर्बिट राइटर को लेकर है, और इसमें बेसिकली मेरा राइटिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन है. एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कितनी स्पीड में, यानी और उसके साथ कितनी एक्यूरेसी के साथ लिख सकता है, क्योंकि अगर हम इसको स्टेनोग्राफी के फील्ड में यूज करें, तो आप जैसे कि हम जानते हैं कि हमें उसमें 80 वर्ड्स पर मिनट एंड 100 वर्ड्स पर मिनट लिखना पड़ता है. तो मैंने मेरे पास और ऑर्बिट रीडर या राइटर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैंने कहीं पे ऐसी वर्कशॉप में ही प्रैक्टिकली ट्राई किया था, तो 60 वर्ड्स पर मिनट तो मैं लिख पाई थी, लेकिन जहाँ पे 70-75 वर्ड्स पर मिनट मैंने लिखने की कोशिश की, तो वो कीज स्टक हो रही थी. तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि जो इसका एवोल्यूशन है, जो प्रोग्रेस है, ये कहाँ तक पहुँचा है, कीज कितनी एक्यूरेटली और कितनी स्पीड के साथ वर्क करती है. एंड माय सेकंड क्वेश्चन है, जो कि सर अभी नहीं लेंगे, रिपेयरिंग रिगार्डिंग है, तो बाद में ले सकते. ओके, थैंक यू प्रेमलता. सो बेसिकली इसकी कीज में तो काफी इवोल्यूशन आया है. जो राइटर जो है, वो राइटर की कीज काफी सॉफ्ट और सपल कीज है. अब आपको उसको डेमो के लिए, आपका कहाँ रहती है प्रेमलता, आप कहाँ से बोल रहे हो? प्रेमलता अनम्यूट करके आप बताइए अपना सिटी का नाम. सर मैं दिल्ली से. दिल्ली से, ठीक है. तो दिल्ली में जब भी इनका कोई भी डेमो होगा, तो आप जरूर अपना कॉन्टेक्ट नंबर इनको दे दीजिए. वो अपने नए प्रोडक्ट्स को वहां लाके आपको डिस्प्ले करेंगे, और उस टाइम आप फिर से 70-80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप करके देखिए. इफ इट इज सूटेबल फॉर यू, ग्रेट. ठीक है जी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? सर मेरा था. कृष्णा बोल रहा हूँ. कृष्णा गो अहेड. सर पहले तो आप लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी, आप चुन चुन के प्रतिनिधि लाते हो हमारे लिए सेशन देने के लिए. और दूसरा क्वेश्चन जो मेरा था रेडियो उड़ान से ही है, पहले रह गया था,
क्योंकि एक ही क्वेश्चन एट अ टाइम का चांस है. तो जैसे कि दानिश सर आपने बताया कि हम फॉर्म भर के ज्वाइन कर सकते हैं एज बिकम आरजे, तो क्या हमारे पास और कोई मतलब सिर्फ आरजे के तौर पर ही जुड़ सकते हैं या फिर किसी और तरीके कुछ और कंटेंट डिलीवर करने के लिए या काम करने के लिए रेडियो उड़ान में जुड़ा जा सकता है? जनरली टू बी वेरी फ्रैंक, हमें आरजे की ही जरूरत रहती है क्योंकि एक आरजे सारा काम करते हैं. लेकिन एज ए लिसनर, एज ए प्रमोटर ऑफ रेडियो, यू कैन बी अ पार्ट एंड स्क्रिप्ट राइटर कैन आई जॉइन? यस बिल्कुल, क्यों नहीं. तो उसके लिए आपसे ऑफलाइन कांटेक्ट करें? बिल्कुल ऑफलाइन कांटेक्ट करें. हाँ जी ठीक है, थैंक यू सर. तेज राम उमियार सर, कुछ इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट भी अभी भी है, अगर कुछ आंसर्स अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी बताएं तो शायद उनके लिए भी यूजफुल. इज देयर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स, प्लीज गो अहेड एंड आस्क, और इफ यू वांट एनी ट्रांसलेशंस प्लीज टेल मी, आई विल ट्रांसलेट इन बिटवीन. सो प्लीज जॉइन द क्यू इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स, दोज़ आर स्टिल विद अस, थैंक यू सो मच. तेज राम सवाल पूछिए. हाँ जी. हाँ सर, मैं छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ और मुझे ऑर्बिट राइटर खरीदना है और मेरा मोबाइल है वीवो Y19 का, ये सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, और मुझे खरीदने के लिए छत्तीसगढ़ से क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा बताने कष्ट करेंगे. ठीक है, आप चैट में अपना नंबर लिख सकते हो या मुश्किल होगा? ठीक है, एक काम करिए, नंबर नोट करिए, आप तेजराम अपना नंबर बोल दीजिए. अजीम नोट कर रहे हैं जी. अजीम 9797. रुकिए अजीम को आने दीजिए लाइन पे. अजीम हाँ, नंबर नोट कर जो भाई, 97 बोलिए. तेजराम 53 ओके 26 9299. फिर से मिला लीजिए सर, 9753269299. मैं आपको कॉल करूंगा ये शो के बाद, आपको कॉल जाएगा. ठीक है ठीक है. आपका नाम क्या बताया सर आपने? तेज राम सर, मैंने चैट रूम में प्राइवेटली कर दिया है ऑर्बिट को. ठीक है ओके, थैंक यू. तीन और नाम बताइए, सवाल किसको पूछने हैं? मुझे नाउ नहीं तो मनोज सोनी बोल रहा हूँ सर. मनोज सोनी एक. हाँ जी, नेक्स्ट नाम किसका है? ठीक है मनोज, मनोज आप सवाल पूछिए. सर मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर कि रेडियो डान पे जितने भी जो कार्यक्रम होते हैं हम एक साथ किस माध्यम से देख सुन सकते हैं? जैसे मैं इंग्लिश, मेरी इंग्लिश सुधारना चाहता हूँ, वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके जो कार्यक्रम आते हैं रेडियो डान के, तो वो मैं कैसे सीधा प्राप्त कर सकता हूँ? ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकता हूँ या यूट्यूब से प्राप्त कर पाऊंगा? यूट्यूब से आप सर ले सकते हैं, बाकी हमारी वेबसाइट जो radiodan.com है वहाँ प्रोग्राम एजेंडा है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो शो सुन सकते हैं उसके टाइम पे, वहाँ टाइमिंग दी हुई है, तब ऐप से कनेक्ट करके आप सुन सकते हैं. यूट्यूब पे बिल्कुल आप ये शो डाउनलोड कर सकते हैं और सुन सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. एनी अदर क्वेश्चन? रुकिए रुक जाओ. बहुत सारे लोग खड़े हैं ना, प्रेमलता को भी कुछ पूछना था और भी दो तीन लोग थे उनको पूछना है सेकंड. हाँ जी, एनी अदर नेम्स? अगर कोई ना बोले तो मनोज आप पूछ सकते हैं. किसी और को पूछना है? हेलो सर, उजास. उजास एंड प्रेमलता. ठीक है प्रेमलता पहले पूछो.
सर ऑर्बिट रीडर राइटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, अगर मैं इसको परचेज करती हूँ और लेटर इसके हार्डवेयर में या फिर इसके फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इसकी रिपेयरिंग को लेकर क्या फैसिलिटी है और मुझे कहाँ कॉन्टेक्ट करना? सो उसका आंसर पहले भी दिया गया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसके लिए आपको बड़ौदा गुजरात में, वडोदरा में आपको भेजना है, अहमदाबाद के नजदीक है शहर, तो वहाँ उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सो वहाँ से वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उजास। हेलो सर, बोल उजास। हेलो, हाँ सर, ऑर्बिट वाला पास एक प्रश्न है सर, मुझे ये जानना था कि जो क्वार्टी कीपैड है ना, मैं पहले 2003 तक देख सकता था, उसके बाद मैं उसके बाद मैं नहीं देख सकता, तो मुझे क्वार्टी कीपैड टाइप में जो स्विचेस है ना उसका पता है, तो जो क्वार्टी कीपैड है जो ऑर्बिट में उपलब्ध है और है, तो क्या उससे हम अपना जो फोन है जो ब्रेल कीबोर्ड से हो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ है जो ऑर्बिट के पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें जानकारी दे सके? ठीक है उजास, ऑर्बिट के पास ब्रेल के ही प्रोडक्ट्स है, ब्रेल कीबोर्ड से, पर आप क्वार्टी कीबोर्ड तो मार्केट से कहीं से भी ले सकते हो, यूएसबी ब्रेल यूएसबी क्वार्टी कीबोर्ड आप लेके अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो, या लैपटॉप में तो कीबोर्ड आता ही है, करेक्ट, और वो सिर्फ आपको 300-400 रुपए में सॉल्यूशन हो जाएगा, उसके लिए फिर आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ से बोल रहे हो उजास? उजास, हेलो, हाँ उजास, क्या थी बोले तू? हाँ वो सिद्धपुर उत्तर गुजरात थी शायद, सिद्धपुर थी बोले चो, भले भले, हाँ सिद्धपुर उत्तर गुजरात, એટલે કોઈ પણ રેગ્યુલર કીબોર્ડ આપણે લગાડી શકાય, ઠીક છે, એમાં એપ્લિકેશન ને બધું યુઝ કરી શકાય સર, બધું કરી શકાય એમ ને, સર આભાર સાહેબ, ભલે, નેક્સ્ટ મનોજ, આપ સવાલ પૂછી અભી, મનોજ સોની, मनोज जी, सर जी पूछिए, आवाज आ रही सर मेरी? आ रही पूछिए। मैं रेडियो जॉकी के बारे में जानना चाहता हूं, क्या मैं इस ये काम कर सकता हूं और इसके लिए मुझे क्या करना होगा रेडियो जॉकी बनने के लिए? सर वेबसाइट पे फॉर्म भर सकते हैं आरजे बनने का, बिकम एन आरजे, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पे दिया है, ऐप पे सब दिया है कॉन्टैक्ट, तो बिल्कुल आप बन सकते हैं। द ओनली कंडीशन फॉर बीइंग आरजे इज यू नीड टू बी अ लिटिल बिट अपना टेक्नोलॉजी से आप एसोसिएटेड होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप वगैरह होना चाहिए और थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चंस किसी को पूछना है? एनी अदर क्वेश्चन? हेलो, यस, नाम बताएं सर। सर हरिओम। हरिओम, पूछिए सर। हमारा नंबर नोट करवा दीजिए सर उसके लिए, ऑर्बिट राइटर के लिए। ठीक है, जी सर, नंबर बोलिए सर। 9759 3280 हरिओम सर। ठीक है, यस सर, ठीक है अजीम, आपको कॉल, थैंक यू सर। नेक्स्ट किसी को? ओके, थैंक यू सर। रविंद्र हियर, गो अहेड सर। महेश, ओके महेश, रविंद्र बोलूं सर मैं? हाँ बोलिए रविंद्र। हाँ सर, मैं पूछ रहा था सर आपसे, क्वेश्चन था मेरा सर, ये मैं एक्चुअली 4-5 सेमिनार अटेंड नहीं कर पाया था, तो ये गूगल ड्राइव पे मैंने मेल तो किया था सर, कुछ रिप्लाई आया नहीं, तो सर ये अवेलेबल हो सकते हैं कहीं से क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, यूट्यूब पे भी है, गूगल ड्राइव की भी लिंक है, आप बुकशेयर हेल्पलाइन को कॉल कर दीजिए, अपना ईमेल कंफर्म करवा दीजिए, हो सकता है कि आपका ईमेल हमें ना मिला हो। आपने आईडी पे किया था यार सर? हाँ जी सर, हम जल्दी सभी पार्टिसिपेंट को दोबारा से ये सभी रिकॉर्डिंग भेजने वाले हैं जो YouTube पे लिंक अवेलेबल है वो उनके साथ साथ। ठीक है, आपका ईमेल आईडी जरा कंफर्म कर दो भैया।
सर मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, टेक्निकल इशू है, नेटवर्क नहीं मिला तो सर मैडम ने कहा कि दोबारा लिंक ईमेल ईमेल पे आएगा। आपका ईमेल आईडी बताइए जी। हाँ सर मैं रविंद्र बोल रहा हूँ, मुझे पूछ रहे ना सर। हाँ जी हाँ रविंद्र, ये नाम है फर्स्ट आर ए वी आई एन डी आर ए जी, वाई वाई फॉर यार्क मतलब यादव सर ने मेरा इसलिए वाई जी 404 @ gmail.com। ओके रविंद्र जी, थैंक यू रविंद्र वाई 404 @gmail मिल गया आपका ईमेल आईडी, आपको मिल जाएंगे पूरे ईमेल मिल जाएंगे जिसमें सारी लिंक्स आ जाएगी आपके पास। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। महेश जी सर पूछिए, आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है, पूछिए पूछिए। सर मैं ये ऑर्बिट रीडर के ही संदर्भ में मैं पूछ रहा था कि सर जैसे खरीदना है तो उसके बारे में तो नंबर मुझे नोट कराना पड़ेगा। इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ सर, क्या झारखंड में, मैं झारखंड से बात कर रहा हूँ, झारखंड में ऐसा कभी कोई डेमो इसका कोई प्रोग्राम ऐसा होने की संभावना है क्या भविष्य में? रांची में हम लक्ष्य के साथ प्रोग्राम करेंगे, ये सब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद रांची में प्रोग्राम की संभावना तो है, पर कब होगा बताना मुश्किल है। जी जी ठीक है, इसका इन्फॉर्मेशन ईमेल में मिल जाएगा सर? हाँ जी, आप अपना नंबर बता दीजिए, वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, फिर आप ईमेल करवा लीजिए, आप नंबर बोल दीजिए। असीम महेश कुमार दास। यस सर, विशाल, विशाल स्पीकिंग। विशाल गो अहेड। इरफान भोपाल। हेलो इरफान, इरफान इरफान आ गया आपका भी नाम, ठीक है। विशाल पहले पूछिए फिर पूछेंगे। सर मेरा क्वेश्चन है सर, जो जिन जिन सर जो बुक शेयर मेंबरशिप ले रखी है, अगर कोई भी सेमिनार होता है इन फ्यूचर तो क्या नोटिफिकेशन मिलेगा या सर अभी रजिस्टर करना पड़ेगा? जी, जिनकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास ये जो बुक शेयर के वर्कशॉप की सीरीज में हुआ है, उनको तो हम जो भी एक्टिविटी हमारी होगी या जो भी हमारे नए टाइटल्स वगैरह होंगे वो सारे ईमेल सब हम भेजते ही रहेंगे। ओके सर, एक क्वेश्चन सर, जो लॉकडाउन चल रहा है अगर नेक्स्ट टाइम होता है तो सर क्या जूम पे मीटिंग होगी या सर आना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा स्टूडियो में? दोनों होगा, हम जूम पे भी चालू रखेंगे और इन पर्सन तो हम पहले भी करते थे अलग अलग शहरों में जाके प्रोग्राम्स, तो वो ये लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होगा, और जूम का हफ्ते में या दो हफ्ते में एक बार हम कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे। इरफान, इरफान पूछिए। इरफान आर्टिस्ट राइटर में एंटर का बटन कहाँ पर है? आपकी आवाज आ रही है इरफान, आप बोलिए। आर्टिस्ट राइटर में एंटर का बटन होता है जो ओके करने के लिए, वो कहाँ पर है? नहीं हम सभी हम बेटर लिखेंगे एंटर का बटन होता है ऑर्बिट पे, कहाँ पर है, कहाँ होता है ये कुछ कहाँ है पूछ रहे सर। ऑर्बिट में जो नेविगेशन की है, अप एरो डाउन एरो लेफ्ट एरो राइट एरो, ये जो एक सर्कल में बनाई जाती है उसके बीचों बीच एंटर का एक उभरा हुआ बटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई सवाल? हाँ सर, मनोज बोल रहा हूँ। मनोज बोलिए। सर आपसे एक क्वेश्चन है, आपने एक मैंने सुना, मनोज हमें एको आ रही है आपके वहां से। हेलो, अब आवाज आ रही है सर? सही, हाँ ठीक है बोलिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि सर आपने एक बार कहा था कि बुक शेयर पे आप जो बुक जो हमारे लिए एक्सेसिबल बनाते हैं तो पर बुक का आपको ₹30 पे चार्ज लगता है। पर पेज, बुक नहीं, पर पेज। पर पेज, यस पर पेज।
तो यदि हमें कोई ऐसी बुक करवानी हो तो अगर मैं उसका पूरा पे करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए मुझे क्या करना है? बुकशेयर हेल्पलाइन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको उसके लिए पूरी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, आपको बुक कहाँ भेजनी है वगैरह वगैरह। बुकशेयर की हेल्पलाइन नंबर चैट रूम में मेंशन की गई है और ईमेल आईडी भी मेरे पास सेव है मैडम। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कीजिए, संजोग या सिया मैडम उसको उठाएंगे तो उनसे बात कर लें। ठीक है सर। सर एक चीज, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं एक रूरल एरिया में टीचर हूँ यहाँ राजस्थान में, तो सर मुझे क्या ज्योग्राफी जैसे बच्चों को पढ़ाना होता है तो उसके लिए मुझे जो अपने ग्लोब है और जो आप मैप्स है वो मुझे टेक्टाइल में और वो इस तरह से नहीं मिल पा रहा है ताकि मैं बच्चों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि मैं भी इसको सही ढंग से नहीं समझ पाता हूँ थोड़ा। तो रविंद्र मनोज, उसके लिए आपने जो हमारा पिछला अगर प्रोग्राम सुना था तो उसमें रेज लाइन फाउंडेशन से पीयूष ने इसके बारे में अच्छी जानकारी दी थी। आपको रेज लाइन फाउंडेशन दिल्ली का संपर्क करना होगा, पीयूष चनाना करके है, उनका संपर्क कीजिए, उनके पास पूरे इंडिया के मैप्स तैयार है टेक्टाइल में जो ब्रेल में अंकित है, तो आप बड़ी आसानी से आपके बच्चों को समझा सकेंगे। रेज लाइन फाउंडेशन की जानकारी या उनका नंबर चाहिए तो आप हेल्पलाइन को कॉन्टेक्ट कीजिए, वो बता देंगे आपको। ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके थैंक यू सर, बाय। और कोई सवाल? उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल के जवाब हमने दे दिए हैं सबको, तो इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। अगले सेशन की दोबारा हम बता रहे हैं कि डेट कंफर्म नहीं है, कल या परसों जब मोदी जी हमें बताएंगे कि भाई वो लॉकडाउन का क्या कर रहे हैं, उसके बाद तय किया जाएगा कि वो सैटरडे हम करेंगे बिल्कुल इसी समय पे, या फिर उसको शिफ्ट करके हम अगले इतवार को संडे को हम प्रोग्राम करेंगे। तो ये जानकारी के लिए अपने व्हाट्सएप या आपके ईमेल आप निश्चित उसको देखते रहिएगा, आपको जानकारी बहुत जल्द मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जस्ट अ रिमाइंडर टू ऑल पार्टिसिपेंट्स दैट वी आर जस्ट नॉट कंफर्म द नेक्स्ट प्रोग्राम बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इश्यू, वी विल बी अनाउंसिंग इट शॉर्टली वाया ईमेल एंड व्हाट्सएप, सो प्लीज कीप योर आईज ओपन फॉर दैट, एंड होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम सून। थैंक यू सो मच, बाय बाय।